खाटू श्याम जी, कस्बे के विश्व प्रसिद्ध बाबा श्याम के आगामी वार्षिक फाल्गुनी लक्खी मेले को लेकर उपखंड अधिकारी प्रतिभा वर्मा ने प्रशासनिक अधिकारियों की मेला मजिस्ट्रेट कार्यालय में बैठक ली। बैठक के दौरान सभी विभागों को तैयारियों की व्यवस्थाएं 31 जनवरी से पहले करने के दिशा निर्देश दिए। उपखंड अधिकारी ने श्री श्याम मंदिर कमेटी को प्रवेश मार्ग और निकास मार्ग को शीघ्र सही करने के लिए कहा। बाबा श्याम के मंदिर के पट सुगम दर्शन व्यवस्थाएं और प्रवेश और निकास व्यवस्थाएं संपूर्ण होने के उपरांत ही खोले जाएंगे। बैठक के दौरान एएसपी रतनलाल भार्गव ने सुरक्षा व्यवस्था सहित अनेक बिंदुओं पर अपने सुझाव भी दिए। बैठक में तहसीलदार विपुल चौधरी, कार्यवाह अधिशासी अधिकारी सीताराम कुमावत, विष्णु कुमार जांगिड, रिंगस डीवाईएसपी विजय सिंह, थानाधिकारी सुभाष चंद्र यादव, अश्विनी कुमार अलका मील, मंदिर कमेटी के व्यवस्थापक संतोष कुमार सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान समस्त विभागों के अधिकारियों ने समय पर व्यवस्थाएं पूरा करने का आश्वासन दिया। बैठक के बाद उपखंड अधिकारी ने पार्किंग व्यवस्थाएं, लखदातार मेला मैदान, शनिश्चर मंदिर से केरपुरा तिराहे तक सड़क निर्माण में आ रही अतिक्रमण को हटाने के लिए निर्देशित किया। वार्षिक फागुन मेले संबंधी आज सभी विभागीय अधिकारियों के साथ एक बैठक की गई, जिसमें नगर पालिका, पीडब्ल्यूडी, बिजली विभाग, चिकित्सा विभाग, पुलिस एवं प्रशासन के सभी जिम्मेदार अधिकारी उपस्थित थे। सबसे पहले तो पीडब्ल्यूडी को जो संबंधित मेजर सड़कों के काम हो रहे हैं उसको मंदिर खुलने के पहले कम्प्लीट करने के निर्देश दिए गए। साथ ही नगर पालिका को पूरे कस्बे की सफाई व्यवस्था, मलबा हटाने की और सड़क के मरम्मतों के कार्य के निर्देश दिए गए, जिसको जल्दी से जल्दी पूरा करने का भी निर्देश दिया गया। साथ ही मंदिर को जो भी मेजर निर्माण कार्य मंदिर के अंदर चल रहे हैं उसको पूरा करने के लिए निर्देश दिए गए हैं। इसके अतिरिक्त पुलिस और नगर पालिका को सामंजस्य स्थापित करते हुए पार्किंग की व्यवस्था के साथ साथ ई रिक्शा स्टैंड की, प्राइवेट बसों के स्टैंड की और यातायात की सुगम व्यवस्था बनाने के निर्देश दिए गए। साथ में ही बिजली विभाग, चिकित्सा विभाग को उनके विभाग के संबंधित कार्यों को सुचारू रूप से मेला शुरू होने के पहले कंप्लीट करने की, लगातार मॉनिटरिंग करने के भी निर्देश दिए। मेले मार्ग से जहाँ दर्शन मार्ग है वहाँ से अतिक्रमण हटा दिया गया, अभी कार्य बहुत अधूरा पड़ा है, तो ऐसे मेले के दौरान आप मंदिर खोलने जा रहे हैं तो व्यवस्थाएं कैसे पूर्ण होगी? अभी भी जैसा कि आपने बोला कि सड़क संबंधी काफ़ी कार्य रह गए हैं, जिसके लिए नगर पालिका को निर्देश दिया गया कि अगले 10 दिन में वो मलबा हटाकर चलने लायक बनाकर तैयार करके देने के निर्देश दिए।